वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। भारतीय राजनीति में महिलाएं हमेशा से सक्रिय रही हैं। इन दिनों यूपी में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। इस चुनाव में महिलाओं की सुरक्षा एक अहम मुद्दा है और महिला वोटों पर सभी पार्टियों की नजर भी। महिला वोटों की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने 40% टिकट महिलाओं को दिया है, तो वहीं सत्ता पर काबिज बीजेपी ने भी महिला नेताओं की एक लंबी फेहरिस्त है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में बीजेपी यूपी में इन दिनों सक्रिय महिला नेताओं के बारे में। इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम है स्मृति ईरानी का, जो इन दिनों यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की स्टार प्रचारक हैं। स्मृति ईरानी वैसे तो केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन अमेठी से सांसद होने के नाते वो यूपी में राजनीति में काफी एक्टिव हैं। इनकी गिनती बीजेपी के सबसे ताकतवर नेताओं में होती है। योगी सरकार में राज्य मंत्री स्वाति सिंह का राजनीतिक सफर बहुत पुराना नहीं है। माना जाता है कि ये राजनीति में अपने पति की वजह से आई, लेकिन अब वो यूपी में बीजेपी का नामी चेहरा बन चुकी हैं। सरकार बनने के बाद स्वाति सिंह को भी मंत्री बनाया गया और उनको चुनाव के लिए दौरे और प्रचार में मंच पर अहम चेहरे के तौर पर बीजेपी पेश करती रही है। इन दिनों मीडिया में चर्चा है कि स्वाति सिंह और उनके पति उमा शंकर सिंह दोनों एक ही सीट से पार्टी से टिकट चाहते हैं। हालांकि अभी किसी का भी टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। बीजेपी की काफी सक्रिय नेता और प्रदेश मंत्री रही प्रेमलता कटियार की बेटी नीलिमा कटियार योगी सरकार में मंत्री हैं और अब वो भी अपनी मां की तरह बीजेपी में सक्रिय महिला नेता बन गई हैं। अपने क्षेत्र में प्रबुद्ध सम्मेलन कराकर नीलिमा भी बीजेपी की पावरफुल नेताओं में शामिल हो गई हैं। कानपुर की कल्याणपुर सीट से पहली बार विधायक और योगी सरकार के विस्तार में मंत्री बनी नीलिमा ने संगठन में भी कार्य समिति सदस्य से लेकर प्रदेश मंत्री और महामंत्री तक के पद पर रही हैं। दर्शना सिंह महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष हैं और पार्टी में उनका कार्यकाल पूरा होने पर उनको राष्ट्रीय टीम में भेजा है। दर्शना में महिलाओं को एकजुट कर पार्टी के पक्ष में मोड़ने में सक्षम हैं और पार्टी उन पर भरोसा भी करती है। इनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत 2008 में हुई। सर्वप्रथम वर्ष 2011 में चंदौली जिले की महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनी। वर्ष 2013 में महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की सदस्य। वर्ष 2015 में भाजपा काशी क्षेत्र की मंत्री। वर्ष 2018 में महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष बनाई गई। बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और धौरहरा से सांसद रेखा वर्मा इन दिनों उत्तराखंड की प्रभारी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी पार्टी उनके चेहरे का इस्तेमाल कर रही है। ओबीसी वोट बैंक को इस बार पार्टी साधने की कोशिश कर रही है। ऐसे में पार्टी के लिए कुछ क्षेत्रों में रेखा वर्मा एक अच्छा विकल्प है। मुलायम और साधना गुप्ता की बहू अपर्णा यादव भी सपा को छोड़कर भाजपा की नैया में सवार हो गई हैं। अपर्णा ने बीजेपी के राष्ट्रवाद को ही अपना सपना बताया है। सपा के वोट बैंक में सेंधमारी के लिए अपर्णा महत्वपूर्ण साबित होंगी। हालांकि बीजेपी में इनका क्या भविष्य होगा, इस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। कभी प्रियंका गांधी की चहेती रही अखिलेश सिंह की बेटी अदिति सिंह ने भी अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। वो अब बीजेपी में आते ही प्रियंका गांधी पर हमला बोलने लगी हैं। अदिति ने प्रियंका को रायबरेली में अपने सामने लड़ने तक की चुनौती दे डाली है। बाराबंकी की पूर्व सांसद और वर्तमान में यूपी बीजेपी की महामंत्री प्रियंका रावत वो उभरता बीजेपी नेता है जिसे हर मीटिंग और अहम अभियान में न केवल देखा जाता है बल्कि वो पार्टी के चुनावी प्लानिंग का भी हिस्सा है। तो ये थी बीजेपी की तेज तर्रार महिलाओं पर हमारी रिपोर्ट। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही महिला नेताओं के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखें। बाकी देश दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।